हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी चाय पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। विल सी कि आप लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, देयर इज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, इट्स लाइक पास्ट में आप प्रॉब्ली बहुत इनडिसाइसिव हो रखे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आगे कैसे बढ़े, पहला कदम कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, बट अब जो भी आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, धीरे धीरे आपकी जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो लौट के वापस आ गई है। आपका सेंस ऑफ स्टेबिलिटी चाहे कहीं से भी आता हो, लाइक ये अपने अंदर आपने इसको स्थापित किया है, या ये आपकी फाइनेंस है। ठीक है, प्रॉब्ली आप अपने खुद के घर पे हो, लाइक पहली बार कोई लीश आपके नाम पर है, द इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम पर है, देर इज समथिंग जो आप आपके नाम पर है। ठीक है ना, जो एक्चुअली आपके बरकत को शो कर रहा है इस वक्त। ठीक है, पास में ढेर सारा आपने गलत जगहों पे आपने इन्वेस्ट किया था, एंड वो एनर्जी कहीं ना कहीं आसपास थोड़ी सी लिंगर कर रही है। आप फील कर पा रहे हो कि आपके पुराने जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे, यू नो, फट फट से एक्साइटेड होकर के एकदम से इन्वेस्ट कर देना, एंड फिर रियलाइज़ करना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो वाली एक एनर्जी अभी भी आसपास आपकी आ रही है। ठीक है, देर इज़ समबडी आपके सराउंडिंग में जो आपके स्पिरिचुअल होने पर बहुत नाराज़ है। ठीक है, ये प्रॉब्ली आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ठीक है ना, उन्हें लगा था कि आप हमेशा साथ साथ चलोगे, ये कोई नेबर फ्रेंड, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके साथ आप पहले भी कोलैबोरेट करके काम कर चुके हो, लेकिन और डे टू डे बेसिस पे आप उनके साथ उठना पिटना, एक टेबल पे खाना खाना आप कर चुके हो। अब वो आप उन्हें आपसे अटेंशन मिल नहीं रहा है, समहा वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पा रहे, तो दे आर वेरी एंग्री कि आपने आपके अवेकनिंग का कॉल आपने रिसीव कर दिया है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ समवट सेइंग कि आपके इस अवेकनिंग कॉल को रिसीव करने के बाद ही, इसके वजह से ही आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, जबकि फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं ये आज भी चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली थोड़ा लूज करो, ताकि वो आपकी मदद करे एंड वापस से आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर सके। सो ये पर्सन लिटरली आपके डाउनफॉल के लिए प्रेयर कर रहा है, सेइंग कि तुझे थोड़ा फाइनेंस, लाइक इसे अगर मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मैं पहले भी इसे हेल्प कर चुका हूँ, ये तो पहले भी यू नो, हम साथ में काम कर चुके हैं, तो आपका इंडिपेंडेंट होना अब उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। ठीक है, लाइक अगर इस ये कोई फाइनेंशियल लॉस देखता है और मेरे पास मदद मांगने के लिए आता है, तो हम वापस से दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, वापस एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में एंटर कर सकते हैं। ऑल्सो आपको ये वापस पाने के लिए, ये आपको लिटरली एक लॉस से गुजरने के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि आप ये कोई फाइनेंशियल लॉस से आप गुजरोगे नहीं, बल्कि पास्ट में जो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉस देख चुके हो, आप उसे रिकवर कर रहे हो इस टाइम पे। ठीक है ना, लेकिन अक्सर ना लोग सोचते हैं कि यार मैंने बहुत सारे कार्मिक्स को एक्सपीरियंस कर लिया, होता है कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही कार्मिक्स को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड बहुत जल्दी वो नेगेटिव हो जाते हैं, सेइंग कि ज़रूर मुझ में कोई प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से मैंने इतने सारे कार्मिक्स को एक्सपीरियंस किया, शायद मुझे लेसन सीखने में टाइम लग रहा था, मैं ही शायद नेगेटिव था। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। कई बार कार्मिक्स हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, और कई बार हम उन्हें उनके छोटी सोच और फायदगिरी को चैलेंज करके उन्हें अपलिफ्ट करने में हम उन्हें रास्ता दिखा रहे होते। जो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कार्मिक्स को एक्सपीरियंस किया, मुझे वहाँ पर रहने का मन नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बंधन में बंध गया हूँ और निकल नहीं पा रहा था, इट्स बिकॉज आपका कार्मिक डेथ क्लियर नहीं हुआ था।
शायद आप सीख चुके थे, उनका भी सीखना बाकी था, ठीक है ना? सो डोंट गेट नेगेटिव अबाउट इट. या बट देन उन सारे सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके, यू एक्चुअली अ वेरी फ्री बर्ड राइट नाउ, ठीक है ना? जिसे प्रॉपर इंडिपेंडेंट होना कहते हैं ना, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली, हर लेवल पे आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, ठीक है ना? तो जो लोग कोड डिपेंडेंसी के चलते, देयर इज अ स्पेसिफिक वन पर्सन जो बहुत रिलीजियस रहा है आपके लाइफ में, ठीक है ना? ये दिस माइट ऑल्सो बी योर स्पाउस और समबडी, बट आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आप ऑलरेडी सेंस कर सकते हो उसकी एनर्जी को. दीज पीपल वो कोड डिपेंडेंसी से आपसे जुड़े हुए थे, आपको डिपेंडेंसी बाहर निकल चुके हो, तो ये लोग भी पीछे छूट गए, ठीक है ना? एंजल्स जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि वो आपको गिरा करके अपने साथ समहाउ अगर वो जोड़ सके तो उन्हें पास का हैप्पीली एवर आफ्टर मिल जाएगा. सो दिस इज़ योर स्पाउस, समवन यू डेटेड, कोई रिलेशनशिप था अच्छा खासा आपका उनके साथ, एकदम सही बात. वो आज भी कहीं ना कहीं आपके साथ अपना हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं, बट वो आपके लेवल तक नहीं आ रहे, वो आपको गिरा के अपने लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये हो जा रहा है यहाँ पर इशू, ठीक है ना? या दिस इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स, दिस इज अ जेजिबल स्पिरिट. अगर आप मैस्कुलिन हो तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना? क्योंकि ये एक फेक बिच हो सकती है जो पहले भी आपको ठग चुकी है, एंड ऑफकोर्स वॉज योर कार्मिक वेरी टॉक्सिक वन, ठीक है? ये आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर चुकी है. दिस पर्सन इज़ वेरी फ्लाइटी, फायरी, ठीक है ना? ये कंसिस्टेंट होना इसे नहीं आता है, अभी मन किया तो अभी कर दिया, एंड एकदम से किसी को चोट लग गया या किसी का नुकसान हो गया उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ एन एनर्जी. एकदम अचानक अचानक से दिस ये अपने टॉक्सिक आइडियाज़ को बीच में लेकर के आती थी, एंड देर इज़ अ सेंस ऑफ ज़बरदस्ती कि मुझे दो, मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, एंड फिर सारी चीज़ें वो बिगाड़ के रख देता था. इट्स लाइक आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, पकड़ लो आप कुछ बना रहे हो, खाना वाना कुछ बना रहे हो, अरे तुमको नहीं पता, मुझे बेहतर पता है, और फिर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा उसमें मसाले डाल दिए और पूरा चीज़ ख़राब हो गया, समथिंग लाइक दैट. आई फील इस पर्सन के साथ ना आपका कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, ठीक है ना? पास में आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए इस पर्सन को मौके दे रहे थे, बट ये पर्सन लिटरली आपके फाइनेंशियल लॉसेस के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. लाइक इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपने बहुत सारे पैसे खोए, ठीक है ना? लाइक चलती फिरती मनहूसियत लेकर के आ गई थी आपके लाइफ में, एंड इस पर्सन से अपना पीछा छुड़वाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, एंड नाउ यू कम टू योर सेंसेस जहाँ पर यू आर सेइंग कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना. इट टुक यू अ लॉट ऑफ टाइम, दिस माइट बी अ फॉल्स ट्विन फ्लेम. एंड गाइज इतना टेंशन मत लिया करो, मैं भी एक फॉल्स ट्विन फ्लेम को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ठीक है ना? आप लोग जो इतना सोचते हो ना कि फॉल्स ट्विन फ्लेम को एक्सपीरियंस करना गलत होता है, हम फॉल्स ट्विन के हाथों अवेकन कैसे हो सकते, अरे मेरी जब अवेकनिंग हुई थी ना, मैं कार्मिक के घर में उनके बीचों बीच थी, एंड इट्स फाइन. आप लोग मेरे आप लोग पर्सनल मैसेजेस में आप लिखते हो, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी अवेकनिंग हो गई है, एंड एंड ऑफ द डे आपको अपना ट्विन खुद आपको पहचानना, एंड इट्स फाइन अगर आप लंबे समय तक कंफ्यूज रहते हो तो, इट्स फाइन. देखो कार्मिक्स जो है ना, हमें अपनी खुद की अहमियत करना सिखाते हैं, ठीक है ना? जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, ये इन कार्मिक्स को ना हमेशा, ये फॉल्स ट्विन्स एंड फेक फ्रेंड्स, इन लोगों को हमेशा जगह मिलता रहेगा, और वो आप एंड ऑफ द डे वो आपको हर्ट ही करेंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे डू. उनका डे वन से उनका इंटेंशन यही था कि वो आपको हर्ट करेंगे, और उनका इंटेंशन बदलता नहीं है,
आप उनको उनके इंटेंशन से पहचानना है एंड दैट्स इट। अगर आगे चल करके आपको कोई ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन मिलता है एंड देन यू स्टार्ट रियलाइज, होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके साथ हम होते हैं ना, हमें लगता है कि यही हमारा पर्सन है। आई वॉज देयर इन दैट प्लेस। जब मैं रिलेशनशिप में थी अपने एक्स के साथ, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये मेरा ऑल एंड ऑल है, ठीक है ना। बट देन अवेकनिंग के बाद धीरे धीरे जब मैं अपने लेवल के लोगों से मिलना स्टार्ट की ना, देन आई रियलाइज कि मैं अपने एक्स के साथ एक्चुअली बहुत नाखुश थी। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मैं स्टूपिड से बिलीव सिस्टम में अटके पड़ी हुई थी कि यही मेरा सब कुछ है, जबकि मेरा लाइफ उसके बिना ज़्यादा बेहतर है। देयर वर सो मेनी टॉक्सिक पीपल जिन्हें मैंने पीछे छोड़ा हुआ, एंड इट्स फाइन। आई वॉन्ट सम, इनफैक्ट डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी है, वी वॉन्ट समबडी जो हमारे लेवल का हो, जो हमारे साथ चल सके, ठीक है ना। सो अगर आपको ऐसा रियलाइज़ होता है ना सालों बाद कि नहीं, वो मेरा रियल पर्सन नहीं था, आप नया, मेरा जो नया पर्सन मेरे लाइफ में एंटर किया, दिस पर्सन इज़ मोर अलाइंड एंड प्रॉब्ली वो पास्ट वाला मेरा फॉल्स ट्विन था, इट्स फाइन, इट्स फाइन। इतना जज मत करो। इट डजेंट मैटर कि आपको कितनी देर से रियलाइज़ हो रहा है, इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको रियलाइज़ हुआ है फैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स है जो लिटरली अपने ट्विन्स को छोड़ के वो अपने हाई लेवल सोलमेट्स, असेंडेड मास्टर्स एंड डिवाइन लाइफ पार्टनर्स को चुन रहे हैं। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ देयर कार्मिक साइकिल, यू एंड इट्स फाइन। सबका अपना अपना जर्नी है बॉस, एंड यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है ना। सो अपने आप को जज मत करो बार बार करके। अपने आप को ये मत कहो कि अगर मैंने सच्चा प्यार किया होता तो मैंने उसे ऐसे नहीं छोड़ता है। नॉट इफ थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। अपने लिए अगर आपने स्टैंड लिया है, इट्स अ गुड स्टफ। अगर सामने वाला आपकी अहमियत नहीं दे पा रहा था तो क्या आप उसके हाथों पिटते, टॉर्चर होते? डोंट फील बैड फॉर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अब देखो ना, यहाँ पर ये जो इनक्यूबस सक्यूबस एनर्जी है, ये पास्ट में भी आपका फाइनेंशियल लॉस करवा चुकी है। दिस पर्सन वॉज यूजिंग यू, और अभी भी ये यही बैठ के प्रेयर कर रहे हैं कि किसी तरह आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाए तो वो आपका फायदा उठा सके। बताओ, या वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फेमिनिन हो, ठीक है, तो दिस इज समबडी जिसके साथ आपकी शादी हुई थी बॉस। अगर मैस्कुलिन हो तो आप एक इनक्यूबस सक्यूबस एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, दिस अ वेरी ईगोइस्टिक टॉक्सिक पर्सन, ठीक है ना, जो कभी आपको पैसे से खरीदने की कोशिश किया था। इट्स लाइक मैं टाइम टू टाइम तुम्हें खाना तो देता हूँ, तुम्हें छत तो दे रखा हूँ, एंड इट्स लाइक वो आपको अपने गोल्डन पिंजरे में डाल करके वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ना वो अचानक से आई फील इन इन दोनों लोगों को ना, दे फीलिंग एज इफ दे आर नथिंग विदाउट यू, ठीक है। उन्हें अफसोस हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खो दिया इतने वक्त के बाद, एंड दे वॉन्ट टू कम बैक, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। दे सेइंग कि मेरे पास मेरे अंदर बहुत सारे फीलिंग्स है, ठीक है, मुझे समय रहते बता देना चाहिए था। दिस आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव, इसने कभी भी अपने फीलिंग्स को आपके ऊपर ज़ाहिर होने नहीं। उनके बिहेवियर से आपको यही लगा होगा कि ये मुझसे नफरत करता है। एक तरफ जहाँ पर आप उसके इमोशंस को,
ठीक है, सोल लेवल पे फील कर पा रही हो कि इसके भीतर बहुत प्यार है, केयर है, मैं देख पाता हूँ, लाइक देख पा रही हूँ कि उसके आँख में बहुत सारा प्यार है, पर उसका बिहेवियर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन आप लोगों के लिए कि ये प्यार करता है या नफरत करता है, या प्यार को बहाने बना करके बस अपना टॉक्सिसिटी मेरे ऊपर जाहिर करो, व्हाट इज इट, ठीक है ना। बट देन यू केम आउट ऑफ दैट कन्फ्यूजन, आप इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहे थे, एंड एक पॉइंट के बाद यू वर लाइक फक इट, मुझे जानना नहीं है, बिकॉज आई एम बेटर ऑफ विदाउट दिस एनर्जी, एंड आप आगे बढ़े एंड यू आर इन अ बेटर प्लेस, ठीक है ना। वी हैव द एम्प्रेस कमिंग इन, यू आर वेरी बैलेंस्ड, यू आर वेरी ब्यूटिफुल राइट नाउ, लाइक सही में आपकी एनर्जी ऐसा, इट्स लाइक इन लोगों के साथ डील करते करते ना, इन लोगों के साथ डील करते करते ना कहीं आपका जो ऑरर है ना वो टेंटेड हो गया था, ठीक है ना। बट नाउ जब आप उन लोगों से दूर आ गए हो और उनका जो टॉक्सिक एनर्जी आपने अब्जॉर्ब कर लिया था वो जब साफ हो गया ना, दिस इज़ हु यू आर राइट नाउ, ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आप एक मैस्कुलिन भी हो सकती हो इन योर इमोशंस, दिस इज यिन एनर्जी। आई एम हियरिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पर इट्स लाइक ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ये बार बार करके आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यही बकवास कर रहे हैं कि उसने मुझे नहीं समझा, उसने नहीं समझा। यार सामने से अगर आप ऐसे किसी को कंफ्यूज करोगे नॉन स्टॉप, ठीक है, अपने सियापा से, फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वो अंतरामी बन के आपको कंसिडर करेंगे, कैसे होगा ये सब, ठीक है। देर इज़ नो कम्युनिकेशन, यू डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है ना। इट्स लाइक यू ऑलरेडी मेड योर चॉइस, इट्स लाइक मुझे डील करना ही नहीं है इस एनर्जी के साथ, जितना देखना था देख चुका हूँ, जितना सुनना था सुन चुका हूँ, आई डोंट वॉन्ट दैट एनर्जी एनी मोर। लेट्स गेट इन टू नोइंग कि आपके लाइफ में कोई एक नया एनर्जी एंटर कर रहा है कि वी गेट इन टू दैट। आप इस वक्त बहुत सारे वाइट बर्ड्स देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्टॉक देख रही हूँ ढेर सारा, अचानक से पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर ढेर सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। या यू लिसन, आप जबरदस्त तरीके से आपने ट्रैवल किया हुआ है बॉस, ठीक है। आई डोंट फील दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्क, ठीक है, इट्स मोर लाइक फिजिकल वर्क, आप लिटरली फिजिकली मूव आउट कर चुके हो, ठीक है। आपका कोई बेबी भी हो सकता है, यू माइट बी अ सिंगल फादर और सिंगल मदर, ठीक है। एंड मैंने पाशा को जब घू कर भी ना, मकाना एकदम फिर अच्छे थोड़ा बजे। आई फील दिस पर्सन वॉज वेरी हैरेसिंग, इट्स लाइक कान के पास आकर के नॉन स्टॉप चीखना, आपको हैकल करना, ये पर्सन पहले भी बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना। स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली आपके लिए कोई ऐसे पर्सन को तैयार कर रहे जिसके साथ आप बहुत खुश रहने वाले, विद दैट एस ऑफ वांड्स, देयर इज एन ऑफर, ठीक है, जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये वैलेंटाइंस के आसपास के टाइम पे आपको ऐसा कुछ ऑफर मिलेगा जिससे आप एक्चुअली बहुत हैप्पी हो जाने वाले हो, ठीक है ना। यू विल कम आउट ऑफ दैट हैंगमैन पोजीशन, दैट टेल्स मी कि आप काफ़ी लंबे समय से सिंगल हो, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप्स को आप कंसिडर नहीं कर रहे थे बिकॉज आपका डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ था। इट्स लाइक जानबूझ के या अनजाने में समहाउ आप रोमांटिक रिलेशनशिप से दूर ही थे, ठीक है, बट फाइनली यू विल बी मीटिंग समबडी जिससे आप उस यू नो सिंगलहुड वाले एनर्जी से बाहर निकले हो। एंड यस, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेमी हाई लेवल सोलमेटी पर्सन, ठीक है ना। सबके लिए अलग अलग है, फिर से मैं कह रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के रियल ट्विन्स जिनसे उनका सेपरेशन हो रखा था, ये उनका वापस से रीयूनियन होगा, दिल कम बैक इन टू कॉन्टैक्ट, या फिर ठीक है आप अपने रियल ट्विन से अब मिलोगे, या फिर आप अपने ट्विन के साथ इस जन्म में साथ नहीं हो सकते, उनका काम सिर्फ आपको ट्रिगर करना था आपके अवेकनिंग
करवाना था, ठीक है ना, एंड यू विल बी विथ अ डिवाइन लवर, ठीक है, एंड स्टॉप बीइंग जजमेंटल, अपने लाइफ को खुशी खुशी जियो, ठीक है ना, डोंट फील कि ओ मुझे मेरा ट्विन नहीं मिला तो मेरा लाइफ अनसक्सेसफुल हुआ, मेरा रोमांटिक लाइफ नहीं, नो, सी सामने सामने वाला आपको कितना प्यार कर रहा है, एंड ऑफ द डे आप प्यार ढूंढ रहे थे, ठीक है, आप चाहते थे कोई आपको आपके लिए अपनाए, और यूनिवर्स आपको कोई ऐसा पर्सन दे रहे हैं जो ये सीधा ये शादी वाला कार्ड है, ट्रेडिशनल, दिस इज़ यूनियन ऑफ टू सोल्स, सी इंगेजमेंट, सीधा इंगेजमेंट मैरिज तक लेकर के जाएगा, दिस इज समबडी आई फील कि फॉर वंस, ठीक है, वो आपको ऐसे फील करेगा कराएगा या कराएगी कि दैट यू डिज़र्व टू बी टेकन केयर एज वेल, इट्स लाइक आप जब भी कोई रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है, आप आगे से जा कर के कहते होंगे कि चलो मुझे कर लेने दो, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, आप लोगों को टेक केयर करते हो रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन आपका टेक केयर करेंगे एंड आपको फील कराएंगे, जिससे आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करोगे, ठीक है, ये पर्सन विल बी लाइक फॉर अ चेंज मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो, लेट मी डू दिस फॉर यू, ठीक है ना, एंड यू विल फील दैट लव जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगेगा आपको, प्रॉब्ली बिकॉज आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा पहले कि आप क्या चाहते हो या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक केयर, इट्स लाइक आप जैसे दूसरों का ध्यान रखते थे, ये पर्सन आपका ध्यान रखना चाहते, सो वो एनर्जी रेसिप्रोकेट होगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप जैसे जैसे उनका ध्यान रखोगे वो भी आपका ध्यान रखेंगे, एंड आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि आप रिश्ते में रह करके अकेले पड़ चुके हो या सामने वाला आप पर ध्यान नहीं रख रहा है या यू नो देर इज़ अ डिसबैलेंस, नो दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड सिचुएशन, ठीक है ना, यू विल फील लव्ड बिकॉज दिस पर्सन विल मेक यू फील कि आप भी टेकन केयर ऑफ, यू डिज़र्व टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पर आई एम हियरिंग somebody saying कि तुम्हारा भाव ज़्यादा बढ़ गया, इट्स नॉट दैट कि आपका भाव ज़्यादा बढ़ गया, इट्स जस्ट दैट कि यूनिवर्स लिटरली आपको अपने गोद में उठा करके आपको एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकाल के एक दूसरी जगह पर वो लेकर के गया जहाँ पर वो आपको दिखाना चाहते कि बच्चा एक बार देखने की कोशिश करो कि मी एज गॉड आपसे कितना प्यार करते थे, यूनिवर्स लव्स यू सो मच, तुम एक्चुअली किस चीज़ के डिज़र्व तुम करते हो, एक बार हमें तुम्हें वो दिखाने दो, ठीक है ना, एंड धीरे 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 थ्रू सेल्फ लव, ठीक है, यू रियलाइज दैट अगर कोई मुझे वैसे प्यार नहीं कर सकता, दैट डिवाइन लव नहीं दे सकता जो डिवाइन स्वयं मुझे देते हैं, तो फिर मैं सेटल नहीं कर सकती, बिकॉज ट्रू लव की एनर्जी, ठीक है, जब हमें एक बार छूती है उसके बाद उसके कम में सेटल नहीं हो सकते, वी आर अवेकेंड सोल्स बॉस, व्हेन वी नो कि हम किस चीज़ के लायक हैं उसके कम हमसे और बर्दाश्त नहीं होता, और हम उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं ताकि हम उस एनर्जी को अपने अंदर नर्चर कर सकें, राइट, सो ये पर्सन इज़ गोइंग टू एक्चुअली ये एंटर करेंगे आपके लाइफ में एंड वो उस डिवाइन लव को आपको देंगे, सिंग टेक इट, ठीक है, देर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि शायद आपको ऐसा फील हो कि आपको किसी और के हिस्से का प्यार मिल रहा है या समथिंग, ठीक है, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, इट्स मोर लाइक अगर ये आपका डिवाइन लवर है ना, डिवाइन पार्टनर है या हाई लेवल सोलमेट है, प्रॉब्ली ये भी किसी का ट्विन है, ठीक है, और उनका ट्विन उनके साथ गलत किया, जैसे आपके ट्विन ने आपके साथ गलत किया, राइट, और उन्हें उनके धोखे की सज़ा, उनकी कारमा उन्हें मिल रहा है, एंड आपके इस पार्टनर का भी ट्विन की वही हालत है, जो आपके ट्विन का है वो उनके ट्विन का भी वही हालत है, ठीक है, बट नाउ इट्स हाई टाइम कि आप
एक रियूनियन में आओ. सो इवन अगर आप किसी और के ट्विन हो फिर भी बिकॉज यू आर द सेम एनर्जी मैच, ठीक है ना, यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी डिवाइन कनेक्शन टुगेदर. यू हैव अ वेरी शेयरिंग एनर्जी आई एम हियरिंग. और अगर ये आपका ट्विन है तो क्या बात है, तब तो डिस्कशन ही ख़त्म हो गई. मैं एक्चुअली इस एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली तीन सेक्शंस हैं. आप में से कुछ लोग अपने रियल ट्विन के साथ होंगे, कुछ लोग डिवाइन पार्टनर्स के साथ होंगे, और कुछ हाई लेवल सोलमेट्स के साथ होंगे. और वो तीनों ही रिलेशनशिप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है जो आप एक्सपीरियंस करोगे. वेरी फुलफिलिंग, वेरी फ्रूटफुल. देखो ना इस पेड़ में देखो कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए रहे, ऐसे गोद में आपके सारे ब्लेसिंग्स गिरने वाले हैं. तो आप साथ में मिलके बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करने वाले हैं. ये जो इनडिसाइसिव आपका एक है ना कि अगर मैं अपने ट्विन के साथ नहीं हो पाया तो एक इनकम्प्लीट मैं फील करूँगा एंड ऑल दैट स्टफ, यू विल कम आउट ऑफ दैट थिंग. ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग में आओगे कि शायद आपका ट्विन कनेक्शन अभी तक इतना इवॉल्व नहीं किया है या उसे और 8-10 साल की ज़रूरत है ताकि वो इवॉल्व हो सके, एंड उसके बाद आप बाद में उस पर्सन के साथ मिलोगे, ठीक है ना, रियूनियन में आओगे. पर फिलहाल के लिए जो आपका इस वक्त जो कार्मा है, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना है. सी, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपना सोल पर्पस जी रहे हो एंड यू नीड अ हेल्पिंग हैंड ताकि उसे और एक्सपैंड किया जा सके, उसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाया जा सके. रहे तो ऐसे में ये कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. लाइक उनका सोल पर्पस आपका सोल पर्पस सेम टू सेम है, सो यू विल कम टुगेदर इनटू अ गुड कंपेनियनशिप. ठीक है ना, वी हैव विद द थ्री ऑफ कप्स. या सी देखो, ये टू ऑफ सॉड्स रिवर्स्ड आया, विच मीन्स कि सारा कन्फ्यूजन क्लियर है. ठीक है, आप अपने आप को और जज नहीं करोगे एंड यू विल कम इन. ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ इतना अच्छा, इतना सही से वो प्यार रेडिएट करेंगे ना, दैट यू विल जस्ट कम इन टू एक्सेप्टेंस कि अगर ईश्वर ने हमें इस पर्सन को मेरे लिए इस वक्त चुना है, देन आई विल टेक इट. ठीक है, देर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन आप लोगों के हिस्से में. आप और बैटल नहीं करोगे, आपके अंदर जो भी दुविधाएं थी ना कि क्या ये मुझे 100% अपनाएंगे, क्या मुझे वो प्रॉपर कम्युनिकेशन मिलेगा जो 5D का कम्युनिकेशन मुझे चाहिए ना. व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि ये पर्सन भी किसी का ट्विन है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, तो ऑफकोर्स उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ पर होगा एकदम लेवल का. ठीक है, ये आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एज अ रोमांटिक कनेक्शन, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये ब्रदर सिस्टर वाला कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है. ठीक है ना, ये कोई बिजनेस सिचुएशन हो सकता है कि आप साथ मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, कोई काम साथ में आप पूरा कर रहे हो. मे बी यहाँ पर कोई बिकॉज देर आर नो पेंटिकल्स हियर, आई से कि इट्स मोर ऑन एन एनर्जेटिक लेवल. प्रॉब्ली यहाँ पर कोई फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, आप साथ मिलकर के किसी की हेल्प करने के बारे में सोच दो, बट वो पूरा वक्त जब आप दूसरों की मदद करोगे मिलकर के, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, एक रियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो प्यार भरा अंडरस्टैंडिंग से भरा, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे, आप फील कर पाओगे कि कितना अंतर रहा है जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है और जो अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. ठीक है ना, सो थर्ड डायमेंशन की एनर्जी और 5D कनेक्शन में जो अंतर होता है ना, वो क्लियरली आप लाइक इस पर्सन के साथ रह करके आपको फील हो जाएगा. लेट्स गेट सम guiding messages for you guys.
पहले राउंड में आई फील कि आप थोड़ा सा इस पर्सन को रिजिस्ट करने वाले हो, थोड़ा सा यू नो हक बकाओगे कि नहीं मुझे मेरा भी नहीं चाहिए, नहीं मैं जिसने प्यार किया मैं मुझे वही पर्सन चाहिए, बट देन धीरे धीरे दिस एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजिस्ट ही कर रहे, वो भी थोड़ा सा यू नो क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, कहीं ये हमारा ईगो बेस्ड तो डिसीजन नहीं हो जाएगा। बट देन आप, क्योंकि आप लोग का कार्मा एक साथ बंधा हुआ है इसलिए आप लोग साथ आओगे। पहले आप अपनी इंट्यूशन की बात ना थोड़ा सुनने से इनकार करने वाले हो, एंड देन इससे आपका थ्रोट चक्रा भी थोड़ा सा इफेक्टेड होने वाला है, ठीक है ना। इट्स गोना पेन यू अ लिटिल बिट, बट देन फिर ये पागलपंती से आप बाहर भी निकल के आ जाओगे, सेइंग कि नहीं मुझसे और ये रिजिस्ट नहीं किया जा रहा है, लेट मी जस्ट एक्सप्लोर यूनिवर्स, अगर मुझे कोई नया एक्सपीरियंस देना चाहता है और वो भी इतना प्यारा एक्सपीरियंस है, मैं क्यों उसको जाने दूँ, ठीक है ना। You'll come out of that indecisive energy. आप में से कुछ लोगों का अपने बाबू अपने इस नए कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज जो काम आप साथ करने वाले हो वो बहुत से लोगों को ऑफेंड करने वाला है, बस ठीक है मैं सीधा बता रही हूँ। और आप ऐसे लोगों के साथ डील करोगे जिन्हें खुद नहीं पता उन्हें अपने लाइफ से क्या चाहिए, ठीक है, बट समहाउ वो आपका काम पूरा नहीं होने देना चाहते, उन्हें अपना लाइफ में क्या चल रहा है दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि उनकी लाइफ कितना बड़ा मेस होकर के पड़ा हुआ है, ठीक है, बट समहाउ उन्हें आपके इस नए कनेक्शन में उंगलीबाजी करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। सो वो सीधा आएंगे एंड दे विल ट्राई टू थ्रो यू आउट आउट ऑफ बैलेंस, जहाँ उन्हें पता लगना स्टार्ट होगा ना दैट यू आर विद समबडी दे विल अटैक यू, ठीक है ना, एंड आपको डिफेंड करना पड़ेगा। एंड द गुड स्टफ इज़ अगर आपने पास में कंप्लेन बैठाई थी सेइंग कि मेरे पार्टनर ने मुझे अकेला कर दिया था और यू नो मैं अकेले ही रिलेशनशिप के लिए लड़ रहा था या लड़ रही थी और उसने तो साथ दिया ही नहीं, मैं जिसके लिए लड़ रहा था वही मेरे खिलाफ हो गया या हो गई थी, ये जो नया पार्टनर है ना वो आपके साथ मिलकर के फाइट करेंगे, क्योंकि जो आपको चाहिए वो उन्हें भी चाहिए, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू मेक दिस हैपन, सो दैट इज़ गोइंग टू मेक योर विन, ये से बहुत सुपर यू सी द टोटैलिटी दैट इज़ द कंप्लीशन कार्ड, ठीक है ना। इट्स एन इंटरनल सैटिस्फैक्ट्री कार्ड कि मैं अकेला नहीं हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये पर्सन आपको रिलेशनशिप में ना अकेला फील नहीं करने देंगे, दे विल फाइट फॉर व्हाट दे बिलीव इन, ठीक है ना। सो दिस इज टिपिकल सोल फैमिली ट्राइब वाला सिचुएशन, बस साथ मिलकर के एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे चलो, एकदम मस्त। या वी हैव फ्रेंडशिप, यहाँ पर कुछ लोगों का दोस्ती टूटने वाला है, ठीक है, पास में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ऑफेंड होने वाला है, कोई कुछ दोस्त जो पहले भी आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में यू नो जहर घोल के वो सक्सेसफुल हुए थे, इस बार वो नहीं हो पाएंगे और इससे आपकी दोस्ती टूटेगी फेक फ्रेंड्स के साथ, दे विल बी वेरी ऑफेंडेड। सो दिस माइट बी अ फ्रेंड हु इज़ वेरी ऑफेंडेड कि हर बार तो वो आपके लाइफ में जहर घोल के वो सक्सेसफुल हो जाते, एंड इट्स लाइक वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, माइट बी अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि अगर आप किसी और के साथ होते हो तो आपका सारा फाइनेंस आपका एनर्जी आपका सपोर्ट उस नए पर्सन के पास चला जाएगा, उस नए रिलेशनशिप में चला जाएगा, बट ये पर्सन आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, राइट। तो आपके लाइफ में चाहे कोई भी आए ये हमेशा आपके रिलेशनशिप में जहर घोल देते हैं, बट दिस टाइम आपका पार्टनर आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है ना। सो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक यू ऑल सेपरेट यू गाइस, उल्टा ये पर्सन ही आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है, ये जो पुराना फ्रेंड या कार्मिक फैमिली मेम्बर जो भी है
जो आपको अपने साथ कोडिपेंडेंसी में बांधना चाहते थे, ये पर्सन कट ऑफ हो जाएंगे बॉस। ये खुद ही डिसबैलेंस हो जाएंगे। एंड आई एम बीइंग कॉल्ड टू डू अ कार्मा रीडिंग एज वेल इसके बाद होकर। या वी हैव द ट्विन फ्लेमी कार्ड अगेन। तो एक्चुअली आप में से कुछ लोग अपने ट्विन कनेक्शंस में रिटर्न कर रहे हो या रियूनियन में आ रहे हो। योर पर्सन इज गोना फाइट फॉर यू लाइक रियली बैड। एक्चुअली ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आप रियलाइज करोगे दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर। इट्स लाइक उन्हें पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है, कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो इट्स ट्विन कनेक्शंस के या अपने डिवाइन एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की जो इम्पॉर्टेंस होती है ना, ये पर्सन को पता है। प्रॉब्ली आपके और इस पर्सन के कुछ लेसन्स भी आपको बहुत सिमिलर मिलेंगे कि उन्होंने भी ऐसे कुछ कार्मिक्स को एक्सपीरियंस किया था जो उनके रिलेशनशिप में जहर घोले हैं, ठीक है ना, और उन्हें भी सिमिलर काइंड ऑफ कंप्लेंट था जैसे आपको था, बट वो आपके साथ दिल बी एबल टू बी देमसेल्व्स। इट्स मोर लाइक आप और ये पर्सन ना वेरी इंटेंस, ठीक है, इट्स गोना बी अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस आप दोनों के बीच में, स्पेशली अगर आप ट्विन्स हो तो वेरी ट्रांसफॉर्मिंग। इट्स लाइक आप अपने आप में जो जेन्युइन लेवल पे आप अपने रिलेशनशिप को रिलेशनशिप के लिए जो करते हो, ठीक है, वो एग्जैक्टली आप एक दूसरे के साथ आप कर पाओगे, अपने एक दूसरे को सपोर्ट करना, यू नो, एंड प्रोटेक्ट करना एंड एवरीथिंग। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आप अकेले नहीं कर रहे होंगे, आप एक दूसरे के लिए कर रहे होंगे एंड यू विल बी जस्ट जेन्युइनली योर सेल्फ। एंड यही आपके कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूत कर देगा, ठीक है ना। सो इट्स लाइक जो भी इट्स एक होता है ना कि हम बहुत सारे फेलियर्स देखने के बाद फिर एक दिन फाइनली हमारा हार्डवर्क पे ऑफ करता है एंड हम रियलाइज़ करते हैं कि क्यों वो पास्ट के सारे एफर्ट्स फेल हो जा रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ नहीं, हमें यहाँ होना था, ठीक है ना। इट्स लाइक ये पर्सन ऐसे एक यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट की तरह आपके लाइफ में एंटर करेंगे जो आपको दिखा देंगे कि क्यों पास्ट के रिलेशनशिप्स क्यों आपके साथ वर्कआउट नहीं कर पाए, क्यों आपको हमेशा डेड एंड्स दिख रहे थे, क्यों प्रॉफिट के जगह आपको लॉसेस दिख रहे थे। सो दिस पर्सन इज़ गोना मेक योर वेट वर्थ इट। आपने अब तक जो भी इनर वर्क किया है अपने आप को असेंड करने के लिए, अलाइन करने के लिए, जो भी हार्डवर्क आपने किया ना, इस पर्सन से मिलने के बाद यू विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज इस पर्सन की जो क्वालिटीज़ है ना, जो अबिलिटीज़ है, वो वर्थ इट प्रूव कर देगा आपको, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ, स्पेसिफिक वर्ड्स जो आना चाह रहे पर आ नहीं पा रहे। आई कैरी इट ऑन टू द नेक्स्ट कार्मा रीडिंग। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, ठीक है।